बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को सुपरहिट फिल्में दी। उनकी लिस्ट में कई सक्सेसफुल फिल्मों का नाम जुड़ा और उन्होंने स्टारडम का खूब मजा लिया। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे रहे जिन्होंने कुछ कारणों से अपने करियर की पीक पर खुद को इंडस्ट्री से अलग कर लिया। हालांकि ये स्टार्स लंबे अंतराल के बाद जब इंडस्ट्री में वापस लौटे तो अफसोस, उन्हें उतनी सफलता, उतना स्टारडम नहीं मिला जितना पहली पारी के दौरान मिला था। आइए देखें कौन कौन से ऐसे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस इस लिस्ट में शामिल हैं। संजय दत्त। संजय दत्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, जिन्होंने खलनायक, साजन और मुन्ना भाई MBBS जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं। साल 2013 में संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। करीब 3 महीने वो जेल में रहे। संजय दत्त पूरे 3 साल तक इंडस्ट्री से दूर जेल में थे, जिसके बाद उनका स्टारडम बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसकी एक बानगी देखने को मिली संजय दत्त की फिल्म भूमि से, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अब तक संजय दत्त की कई फिल्में रिलीज हुई लेकिन ज्यादातर फ्लॉप रही। इस साल रिलीज हुई सड़क 2 और तोरबाज भी नहीं चली। सनी देओल और बॉबी देओल। एक्ट्रेस सनी देओल और बॉबी देओल के लिए भी बॉलीवुड में एक लंबे समय के बाद कमबैक करना कुछ खास नहीं रहा। काफी समय बाद सनी और बॉबी देओल फिल्म पोस्टर बॉयज में दिखाई दिए। इस फिल्म का निर्देशन श्रेयस तलपड़े ने किया था। ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक इंडस्ट्री से बाहर रहने के चलते सनी और बॉबी का स्टार पावर काफी कमजोर हुआ था। गोविंदा। गोविंदा 90 के दशक में एक सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते थे। उनके डांस के लोग जबरदस्त फैन थे। साथ ही गोविंदा ने अपनी शानदार एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, डांस और कॉमेडी से फैंस के दिल में अलग पहचान बनाई है। उस दौर में गोविंदा का नाम टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार था, लेकिन कुछ कारणों से गोविंदा ने 2002 में 3 साल तक फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। इन 3 सालों में इंडस्ट्री में गोविंदा के लिए बहुत कुछ बदल गया था। गोविंदा ने फिल्म साथी और भागम भाग से अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरी पारी में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रवीना टंडन। एक समय था जब मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आता था, लेकिन साल 2004 में शादी करने के बाद ही एक्ट्रेस रवीना ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। हालांकि 2017 में आई फिल्म मात्र से रवीना ने दोबारा कमबैक किया, लेकिन ये फिल्म कब रिलीज हुई और कब थिएटर से चली गई किसी को पता ही नहीं चला। माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित कभी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। जब माधुरी अपने करियर की पीक पर थी तब उन्होंने शादी का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया था। शादी के बाद माधुरी दीक्षित ने भी इंडस्ट्री को 5 सालों के लिए अलविदा कह दिया था। वहीं इतने लंबे ब्रेक के बाद माधुरी ने फिल्म आजा नचले से इंडस्ट्री में वापसी की, लेकिन उन्हें पहला जैसा स्टारडम नहीं मिला। इसके बाद माधुरी ने फिल्म गुलाब गैंग, डेढ़ इश्कियां और कलंक में भी काम किया, लेकिन उनकी ये फिल्में भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुईं। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की काफी मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। ऐश्वर्या अपने एक्टिंग के दम पर 10 से अधिक फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम और देवदास सहित कई फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन ऐश्वर्या के करियर में भी वो दौर आया जब उन्हें फिल्मों से दूर होना पड़ा। ऐश्वर्या राय ने अपनी प्रेगनेंसी की वजह से फिल्मों से ब्रेक लिया था। लंबे ब्रेक के बाद ऐश्वर्या फिल्म जज्बा में दिखाई दी, लेकिन अपनी एक्टिंग से वो दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। बाद में ऐश्वर्या ने फिल्म सरबजीत और ए दिल है मुश्किल में भी काम किया, लेकिन वो भी सेकेंड इनिंग में पहला जैसा स्टारडम हासिल नहीं कर पाई। करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड को दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी और जुबैदा जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। करिश्मा ने अपने बेहतरीन एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स भी जीते हैं, लेकिन करिश्मा कपूर ने भी शादी के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया। सालों तक फिल्मों से दूर रहने के बाद करिश्मा फिल्म बाज अ बर्ड इन डेंजर में नजर आई। इस फिल्म के 9 साल बाद 2012 में करिश्मा विक्रम भट्ट की हॉरर थ्रिलर फिल्म डेंजरस इश्क में भी दिखी, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली और करिश्मा भी अपनी दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाई।
प्रीति जिंटा। बॉलीवुड में डिंपल गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। प्रीति जिंटा ने फिल्म कभी अलविदा ना कहना के बाद सिल्वर स्क्रीन को अलविदा कह दिया था, लेकिन इसके बाद प्रीति ने साल 2013 में एक बार फिर इश्क इन पेरिस से कमबैक किया। अफसोस, प्रीति भी दूसरी पारी में असफल रही, उनकी ये फिल्म चली नहीं और वो इसके बाद किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।